नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, नाराज किरण चौधरी राव दानसिंह एक मंच पर आए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने से नाराज सद रही कांग्रेस विधायक किरण चौधरी रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी राव दानसिंह के साथ दिखी, तो शाम में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान किरण चौधरी ने पहली बार राव दानसिंह के लिए प्रचार किया। इसके बाद दोनों साथ ही गाड़ी में निकल गए। दो दिन पहले तक किरण चौधरी व श्रुति चौधरी राव दानसिंह पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमलावर थी। उनके नामांकन के वक्त भी साथ नहीं थी, लेकिन रविवार को दोनों को साथ देख क्षेत्र के लोग चौंक गए। किरण ने कहा कि मैं हूँ आपके लिए, इस शरीर में जब तक जान है, जब तक खून है, एक के कतरा आपके लिए न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटूंगी, बस अब आप राव दानसिंह के लिए जुट जाओ। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दाव के चलते टिकट राव दानसिंह को मिल गई। इसके बाद किरण चौधरी ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। किरण कार्यक्रम में श्रुति चौधरी के आंसू छलक गए थे। इसके बाद किरण चौधरी ने राव दानसिंह के क्षेत्र में जाकर घोटालो व बेटे के भगोड़े का बयान देकर इनडायरेक्ट राव दानसिंह पर कटाक्ष किया था। किरण चौधरी तुसाम सीट से ही विधायक है। आज यहीं राव दानसिंह ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद किरण कार्यक्रम में पहुंची और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के एकजुट होने का संदेश दिया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी ने भी यादव वोट को ध्यान में रखते हुए राव बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है। इसके चलते यादव वोट राव बहादुर सिंह एवं राव दानसिंह के बीच बंटने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर की राह आसान हो सकती है। वैसे भी जाट वोट व किरण समर्थक श्रुति के टिकट कटने से नाराज है, तो संभव है कि वह गैर जाट के बजाय धर्मवीर के खेमे में शिफ्ट हो सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।